वेलकम टू एंटरटेनमेंट फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म राखे लासान भोजपुरिया जवान का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिल्म काफ़ी अच्छी है, फिल्म इतनी अच्छी है कि मुझे बहुत पसंद आई और मैं मानता हूँ कि पवन सिंह की करियर की सबसे बेस्ट फिल्म राखे लासान भोजपुरिया जवान भी है। आप इस फिल्म को कितने बार भी देख लो, बोर बिल्कुल नहीं होगे। फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म के डायलॉग और फिल्म की स्टोरी काफ़ी एंगेजिंग है और लगता ही नहीं है कि कोई भोजपुरी फिल्म है, लगता है कि आप किसी हिंदी फिल्म या फिर साउथ की फिल्म देख रहे हो। हाँ, 2013 का वक्त था जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री टॉप पर जा रही थी। राखे लासान भोजपुरी जवान को रिलीज़ किया गया था बॉक्स ऑफिस पे 1 मार्च 2013 को। फिल्म को लिखा था मनोज सिंह टाइगर ने, जो कि इसमें एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। अगर बात करें लीड एक्टर के बारे में तो पवन सिंह और प्रतिभा पांडे इसमें लीड थे और वहीं बृजेश त्रिपाठी इस फिल्म में भोला यादव के कैरेक्टर में थे। दोस्तों, इस फिल्म को लिखा था मनोज सिंह टाइगर ने और वहीं फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकिशोर जी ने। फिल्म काफ़ी अच्छी थी, फिल्म को काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिली थी और ये मेरी वन ऑफ दी बेस्ट फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो फाइनली बात करते हैं राखे लासान भोजपुरी जवान के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप भी किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हो तो कमेंट करें, हम आपकी डिमांड में वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, भोजपुरी फिल्म राखे लासान भोजपुरी जवान ने अपने डे वन पे तकरीबन 13 लाख के आसपास कमाई की थी और फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 8 करोड़ 70 लाख रुपये। फिल्म का बजट था 1.96 करोड़ रुपये और ये फिल्म यानी राखे लासान भोजपुरिया जवान बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और मेरी तो फेवरेट पिक्चर है राखे लासान भोजपुरिया जवान। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको राखे लासान भोजपुरिया जवान कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।